Senate. ऐवाने बाला में किसका बोलबाला? 37 नशिस्तों के लिए वोटिंग मुकम्मल हो गई, गिनती जारी। तमाम नजरें यूसुफ गिलानी और हफीज शेख के टाकरे पर। हुकूमत और अपोजिशन जीत के लिए पुरउम्मीद। बलोचिस्तान से PTI और BIP के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार अब्दुल कादिर कामयाब। अब्दुल गफूर हैदरी मोहम्मद कासिम सेनेटर मुंतखब। पार्लियामेंट के बाहर लफ्जी जंग, ऐवान के अंदर सब शीर और शक्कर। हफीज शेख यूसुफ रजा गलानी से हाथ जोड़कर मिले। बिलावल भुट्टो जरदारी भी हफीज शेख से खुशगप्पियां करते दिखाई दिए। आसिफ जरदारी वोट कास्ट करते हुए हाथ कांपते रहे। आसिफ जरदारी को बैलेट पेपर दोबारा दिया तो फिर वोट कास्ट किया। वजीर आजम इमरान खान, शाह महमूद कराची, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ समेत बड़े बड़े रहनुमाओं ने वोट कास्ट किया। जिन्हें आंखें बंद करके जाना था आज परेशान है। हुकूमत जा रही है, बिलावल भुट्टो को यकीन। आसिफ जरदारी तो कहते हैं हुकूमत तो जा चुकी, जो उन्हें नहीं जाने देना चाहते वही इस्तेमाल कर बैठे हैं। बेल्ट पेपर पर साइन कर दिए। PTI रहनुमा शहरियार अफरीदी का वोट जाया हो गया। वजीर आजम का सख्त नाराजगी का इजहार। कहा, आपको पता नहीं वोट किस तरह कास्ट करते हैं? MNA होकर ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? वफाकी वजीर की दोबारा वोट कास्ट करने की दरख्वास्त मंजूर ना हुई। शहरियार अफरीदी मीडिया से कन्नी कतरा गए। वजीर आजम से सर आपकी बात हुई है कोई हवाले से? किस हवाले से? आपका वोट रिजेक्ट हो गया। किसने कहा आपको वोट? कौमी असम्बली में 340 अरकान ने वोट डाले। जमात इस्लामी के अकबर चित्राली के सवा तमाम अरकान ने वोट कास्ट किया। बलोचिस्तान असम्बली के तमाम अरकान ने हक राय दही का इस्तेमाल किया। सिंध असम्बली में जमात इस्लामी के रुकन के अलावा तमाम अरकान ने वोट डाला। पंजाब में तमाम सेनेटर्स का बिला मुकाबला इंतखाब हो चुका।